नमस्कार, मैं डॉक्टर सारिका वर्मा, ईएनटी सर्जन हूँ, ईएनटी एसोसिएशन गुड़गांव की प्रेसिडेंट हूँ और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गुड़गांव की विमेन डॉक्टर्स विंग की अध्यक्ष हूँ। पोल्यूशन के बारे में हम जब बात करते हैं, जब AQI 400 पार हो जाता है तो उस चर्चा का कोई मतलब नहीं है। पोल्यूशन के बारे में हमें 365 डेज बात करना है, उसके बारे में काम करना है, उसके बारे में सोचना है। तब ऐसा टाइम आएगा कि विंटर के दौरान भी हमारे AQI 50-60 से ज्यादा नहीं होगा। आज यूरोप में AQI 50 है और हमारे यहाँ पे 450 है। क्या हमारे बच्चों की जिंदगी का कोई महत्व नहीं है? एज इंडियंस एंड एज पीपल ऑफ दिस जनरेशन वी हैव टोटली फेल्ड इन आर ड्यूटी। चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उन्होंने सबने मिलके ये जो एयर क्वालिटी का जो बेड़ा गर्क किया है, सभी इसके जिम्मेदार है। अगर आज कचरे के ढेर पड़े हुए हैं, उनको सफाई नहीं किया जाए, वो भी एक पोल्यूशन का हिस्सा है। अगर रोड डस्ट को साफ नहीं किया गया, वो भी पोल्यूशन में ऐड करता है। अगर आज पराली जल रही है तो वो भी पोल्यूशन का हिस्सा है। अगर हमारे यहाँ फॉरेस्ट कवर कई स्क्वायर किलोमीटर कम हो गया है, जो अरावली जो पूरे पोल्यूशन को अंदर खींच लेते थे, उनको हमने खत्म कर दिया है। ये सभी चीजें पोल्यूशन को बढ़ाती हैं। और आज जब AQI 400 पार हो गया, तब हम लोग पोल्यूशन का रोना रो रहे हैं। 365 डेज हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट को अच्छा करना चाहिए ताकि ऐसी स्थिति आए ना। जब पोल्यूशन बढ़ता है तो आपके हर ऑर्गन में इसका असर होता है, दिमाग से लेके आंखों से लेके स्किन से लेके फेफड़ों में, किडनीज, इंटेस्टाइन, आपके हर ऑर्गन। इनफैक्ट इवन जो अनबॉर्न बच्चा है, जो माँ के पेट में जो बच्चा है, प्लेसेंटा तक में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 पहुंच गया है। कितना पोल्यूशन हम सहेंगे जब तक हम लोग डिसाइड करें कि हाँ अब बस हो गया, अब इस पर काम करने की जरूरत है। इस पर सरकार को भी काम करने की जरूरत है और एज सिटीजन्स भी काम करने की जरूरत है। सिटीजन्स को क्या चीजें आप कर सकते हो? एक, जब भी आप व्हीकल खरीदे, जब आप नेक्स्ट व्हीकल देखें कि वो हाइब्रिड हो या इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल हो। दूसरा, कहीं पे भी गार्बेज को जलने ना दें या कहीं पे भी ओपन फायर ना क्रिएट करें। तीसरा, जो भी आप वेस्ट जनरेट करते हैं आपके घर में या ऑफिस में, उसको गीला और सूखा कूड़ा अलग से भेजिए। जो गीला सूखा कूड़ा है उसको कोशिश करिए कि अपने यहीं पर कंपोस्ट कर दीजिए, ताकि आपके शहर की जो निगम की फैसिलिटीज है उस पर ज्यादा जोर ना पड़े। और सबसे ज्यादा पेड़ लगाइए। हर इंसान कम से कम एक साल में 10 पेड़ लगाए तो जाके थोड़ा सा बदलाव आएगा। ये एज सिटीजन हम कर सकते हैं। अब सरकार का क्या दायित्व है? सरकार का दायित्व ये है कि जो हमारे यहाँ रोड डस्ट है उसको अच्छे से 24 घंटे, हमारे पास सुना है निगम में 12 या 14 ट्रक्स हैं, वो मुझे आज तक दिखे नहीं। कब वो यूटिलाइज होंगे? ये समय है कि अब इस समय जो वैक्यूम ट्रक्स है वो सारा रोड डस्ट उसको खींच ले। दूसरा, यहाँ वाटर का छिड़काव होना चाहिए सड़कों पे, और ताकि यहाँ पे जो पोल्यूशन है, जो डस्ट है, वो कम हो जाए। तीसरा, जो फॉरेस्ट कवर हम लोग साल प्रति साल हरियाणा में कम हो रहा है, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। पिछले 10 साल में हमारा फॉरेस्ट कवर 5.8% से 3.6% रह गया है, 2.2% फॉरेस्ट कवर कम हो गया है। तो ये हमारी ग्रीड और करप्शन दोनों मिलके एक इतना टॉक्सिक ये बना देते हैं कि आज हमारे यहाँ बच्चों को सांस नहीं आ रहा। आप फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चों को आपने बोल दिया घर बैठ के काम करो। पिछले साल भी यही हुआ था, दिवाली के टाइम में भी 15-20 दिन ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस कर दी थी। पर क्या हमें और आपको अच्छी हवा की जरूरत नहीं? हम सभी को जरूरत है। आज माना जा रहा है कि दिल्ली NCR में रहने से, गुड़गांव और ये प्रदूषण देखने से हमारी जिंदगी के 10 साल कम हो रहे हैं। हमारे यहाँ जो हम हवा ले रहे हैं उससे 15 सिगरेट का धुआं हम लोग रोज इनहेल कर रहे हैं। तो ये हम सबको जगने की जरूरत है। और सरकार को मैं खासकर निवेदन करूंगी कि सिटीजन्स के बारे में सोचना, उनकी जिंदगी के बारे में सोचना, उनको साफ हवा देना आपकी बहुत प्रमुख जिम्मेदारी है। और मुझे नहीं लगता आज तक इस पे कोई एक्शन प्लान हुआ है। आज आप Grab 3 डाउनलोड कर रहे हो, Grab 4 कर रहे हो, बोलो कंस्ट्रक्शन बंद कर दो, अब आप पेट्रोल के पुराने व्हीकल मत यूज करो, अब डीजल के पेट्रोल मत व्हीकल मत यूज करो, तो आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहाँ है? अगर दिल्ली में आप मेट्रोज हैं, बसेस हैं, फ्री बसेस हैं, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब मैं अपने बच्चों को लेने जाऊंगी तो कैसे जाऊंगी? पैदल जाऊंगी? तो ये बिना बात के अगर हम कोई भी चीज लागू करते हैं, पर उसका एक ऑप्शन जरूर बनाना चाहिए। लोगों को प्रताड़ित करने से काम नहीं चलेगा। 24 घंटे 12 महीने इस पे काम होना चाहिए, ताकि आगे चलकर हमें साफ हवा मिले, ब्लू स्काइज मिले, जो हम सबका हक है।